आज देखिए, जो आज 23 अक्टूबर को मालगाड़ी जो पटरी से उतरी है रामुआ स्टेशन के पास, GN 135, उसका ये दृश्य है। तो आपको दिखाते हैं, देखिए पूरी तरह से एकदम क्षतिग्रस्त हो चुके। देखिए अब यहाँ से देखिए, तो ये पूरी तरह से मालगाड़ी का जो पटरी डब्बे हैं रामुआ स्टेशन के पास, पूरी तरह से एकदम क्षतिग्रस्त पटरी से पूरे उतर चुके हैं। देख रहे हैं, ये एक के ऊपर एक एक्सल, ये सब देखिए स्प्रिंग, जहाँ तहाँ भयंकर, मतलब ये पटरी से पूरा उतर चुका है। अब देखिए इसको पूरे दृश्य तो देखेंगे आप, सभी एक के ऊपर बोगी, चक्के, बॉडी सब एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, जो एक्सीडेंट हुआ है तो जिसके वजह से ये उतर चुके हैं। तो देखिए ऊपर चढ़े हुए हैं सब, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं गाड़ी, देखिए सब चक्के देख रहे हैं ये, देखिए मतलब एक तरह से एकदम भयंकर हुआ है। बाकी जो रेल अधिकारी आए हुए हैं, अब इसकी यहाँ पर इसको चल रहा है साइड करके, इसके वजह से क्या हुआ, पूरी ये रूट ब्लॉक हो चुका है। इस समय कोई भी गाड़ी इस रूट से नहीं जा रही है, क्योंकि मेन लाइन में हुआ तो पूरा ये रूट ब्लॉक हो चुका है। मतलब दिल्ली से वाया इलाहाबाद होते हुए जाने वाला रूट है ये पूरा ब्लॉक हो चुका है, तो जिस वजह से कई गाड़ियाँ कैंसिल है, कई गाड़ियाँ जहाँ हैं वहीं खड़ी हैं। देखिए एक्सल इन सब का हाल देख रहे हैं, पूरी तरह से एकदम डैमेज पड़ा हुआ है पूरी पटरी, मतलब दोनों तरफ की पटरी एकदम ब्लॉक हुआ पड़ा है, जिसके वजह से कोई भी ट्रेन की आवागमन इस समय बाधित है, इधर से नहीं जा रही है, कोई भी इसमें जा नहीं पा रहा है। और इसके बाद जो भी ट्रेन अगर ये खड़ी है, पटरी उतर के जा रहे हैं, कोई बाहर जा कर साधन कुछ भी मिले पकड़ के अपने स्थान पर जा पाए, बहुत देखिए पसंद है, बाहर जा रहे हैं।